हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार दोबारा से आपके अपने चैनल विया स्टॉक्स में दिल से। तो यार दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ 4 रुपए के पैनी स्टॉक के बारे में। और कई बार मैंने इसके ऊपर आपको अपडेट दिया है कि इस पैनी स्टॉक को आपको डेफिनेटली बाय करके चलना चाहिए, और मेरे कहने से बाय प्लीज मत करना, खुद की एक बार रिसर्च एड ऑन करना। मात्र 1 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ आप इस स्टॉक को एड ऑन कर सकती हो, और गलती से मत बेचना इस 4 रुपए के शेयर को जब तक हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हो जाता, राइट। एक दिन ये शेयर आपको बहुत महंगा मिल सकता है, ठीक है। एज पर माई यू नो सम नॉलेज और कुछ इनसाइडर पॉइंट्स के वजह से मैं कह रहा हूँ कि स्टॉक फ्यूचर में काफी ऊपर तक जा सकता है, ठीक है। तो प्लीज खुद की एक बार रिसर्च ऐड करना, और हो सके तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना ना भूलना, ठीक है भाई। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना, और साथ में एक और बात सुन लो, हर संडे मेरी प्राइवेट क्लास होती है। इस वीडियो को शेयर कर दो फेसबुक के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, जहां आपको करना व्हाट्सएप के माध्यम से। देन डायरेक्टली आप मुझे मैसेज करोगे कहाँ, मेरे इंस्टाग्राम चैनल पर, जो है ये रहा देख लो एक बार, ठीक है। यहाँ पर मुझे मैसेज करना, जो हर संडे प्राइवेट क्लास होती है उसके लिंक मैं आपको यहाँ पर दे दूंगा, ठीक है। जो भी वीडियो शेयर करोगे उसके मैसेज करना, मैसेज मतलब स्क्रीनशॉट के साथ मैसेज करना, तभी मैं आपको क्लासेस के लिंक दे पाऊंगा, अदरवाइज भाई सॉरी, ठीक है। और अगर आप सीखना चाहते हो जेन्युइन तरीके से, स्ट्रॉन्ग मार्केट बिगिनर हो, मोस्ट वेलकम है। साथ में सीखेंगे, साथ में ग्रो करेंगे, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ उस पैनी स्टॉक के बारे में जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, और उसके लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो देख लो स्टॉक का नाम क्या है। स्टॉक का नाम ये रहा, A2Z इंफ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड, ठीक है। 4 रुपये 40 पैसे का स्टॉक है। डेफिनेटली स्टॉक को नजरों में रखो, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म में स्टॉक काफी अच्छा पैसा बना के आपको दे सकता है। मात्र छोटा सा आपको एक स्टॉप लॉस लगाना है, अभी आपको चार्ट के माध्यम से अपडेट कर देता हूँ। और ये स्टॉक पर्सनली मुझे क्यों पसंद आता है, देखो भाई कंपनी के फंडामेंटल बहुत जीरो है, लुल है एकदम। उसके बावजूद भी मैं ये स्टॉक आपको क्यों बोल रहा हूँ, ये स्टॉक ऊपर जा सकता है। मेरे कुछ बोल सकते हो टेक्निकल एनालिसिस पॉइंट्स है, और साथ में मात्र 1 रुपये का स्टॉप लॉस लगाना है, और 1 रुपये का स्टॉप लॉस आपको पैसा आपका डबल कर सकता है। मतलब स्टॉक का जो टारगेट है वो कम से कम 8 रुपये के आसपास है। आपको याद होगा मैंने आपको एक एक नागार्जुना फर्टिलाइजर, मैं आपको दिखा देता हूँ शेयर, आपको याद होगा नागार्जुना फर्टिलाइजर। ये स्टॉक भी हमने आपको बहुत पहले 5 रुपए के लेवल्स में यहाँ रिकमेंड किया था। स्टॉक ने देखो कितना अच्छा रिटर्न हमें दिया, 274% का ऑलमोस्ट पैसा डबल करके गया। और यही सेटअप इस पैनी स्टॉक में बन रहा है। सेटअप मतलब देखो, जो भी स्टॉक मैं आपको रिकमेंड करता हूँ उसके पीछे का एक सेटअप होता है। सेटअप मतलब किस स्ट्रेटेजी के बेसिस से मैंने स्टॉक को बाय किया है, ठीक है। ऊपरी तौर में आपको मैं बता देता हूँ कि ये कुछ पॉइंट्स थे, लेकिन असली जो सेटअप होता है वो कुछ चार्ट पैटर्न होते हैं जो शायद आपको गूगल में नहीं मिलेंगे, ठीक है, नहीं आपको कहीं यूट्यूब में मिलेंगे। वो पैटर्न मैं खुद ढूंढता हूँ, खुद फाइंड आउट करता हूँ, और जब वो पैटर्न मुझे मिलता है मैं स्टॉक में पैसा खुद लगाता हूँ। मैंने खुद स्टॉक में पैसा लगा रखा है, मनी मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए, जो मेरा रिस्क प्रोफाइल है उसको ध्यान रखते हुए लगाया है। मैं ज़्यादा पैसा कभी नहीं लगाता हूँ, ठीक है, ना किसी की दूसरे के कहने पर लगाता हूँ। अगर दूसरा व्यक्ति मुझे कह रहा है कि इसमें 10 रुपये लगा दे, तो मैं कभी नहीं लगाऊंगा। मैं कम से कम 1 रुपये लगाऊंगा, और 100 बार उसमें रिसर्च करने के बाद लगाऊंगा। तो ये भी चीज़ आप में होना चाहिए एटीट्यूड कि भाई मैं अगर लगा रहा हूँ पैसे किसी के कहने पर या फिर दोस्त के कहने में लगा रहा हूँ, तो पहले मैं खुद की रिसर्च ऐड करूँ, उसके बाद एक बार रिसर्च को क्रॉस वेरीफाई करूँ कम से कम 10 से 20 बार खुद से। और जब तक खुद में कॉन्फिडेंट नहीं आता मैं स्टॉक को बाय नहीं करूँ, ये होना चाहिए अंदर से। जब भी आपको ये आएगा ना, तभी आप स्टॉक मार्केट में बड़ा कुछ रिटर्न कमा सकती हो। अदरवाइज तो भाई देखो, ये स्टॉक यहाँ से यहाँ गया था, आप इसी में प्रॉफिट बुक कर लेते, ठीक है। यहाँ रुकने के लिए आपको जिगरा चाहिए, और वो स्ट्रेटेजी चाहिए, वो सेटअप चाहिए, वो डिसिप्लिन चाहिए। वो कैसे आता है, वो तब आता है जब आपने अपनी प्रॉपर रिसर्च करी भी हो। तो विदाउट रिसर्च कभी मत जाना, ठीक है। तो मैं यही बोलूंगा, एक बार खुद की रिसर्च एड ऑन करो, उसके बाद डिसाइड करना आपको क्या करना है। मैं आपको एक बार कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस दिखा देता हूँ, पर्सनली स्टॉक मुझे क्यों पसंद आया चार्ट पैटर्न के हिसाब से वो भी दिखा देता हूँ, और आज NSE/BSE में कैसा काम काज हुआ वो भी एक बार आप चेकआउट कर लो। तो यार दोस्तों, आप देख सकते हो स्टॉक का जो मार्केट कैप है 75 करोड़ के आसपास का है। वहीं बात करते हैं प्राइस, तो अभी 4 रुपये का इसमें ट्रेड कर रहा है, ठीक है। 6 रुपये का इसका हाई है, 18 रुपये के आसपास की बुक वैल्यू हमें देखने को मिल जाती है। मतलब स्टॉक अपने बुक वैल्यू से काफी सस्ते में ट्रेड करा। लेकिन दोस्तों देखो, यहाँ पर प्लेज होल्डिंग आपको जो देखने को मिलेगी 100% है, और जो अभी नागार्जुन आपको मैंने दिखाया था उसमें भी स्टॉक में 100% की प्लेज हमें देखने को मिलती है। उसके बावजूद भी स्टॉक का प्राइस आज आपके सामने डबल ट्रिपल होके गया है, समझ आया ना। तो मतलब ये चीजें मैटर इतनी नहीं करती है, मैटर क्या करती है कि आपने एंट्री कहाँ करी है। अगर आपकी एंट्री अच्छी है ना, पैसा बनेगा।
एंट्री अच्छी नहीं है तो भैया पैसा क्या, आपको कोई भी पैसा कमा के नहीं दे सकता। इसका जो प्राइस देखो 4 रुपये 30 पैसे, कल ये 6 रुपये 30 पैसे हो जाएगा ना, तो एंट्री महंगी हो जाएगी, समझने का प्रयास करना। 4 रुपये 30 पैसे सस्ता है, लेकिन ये सो अगर 4 रुपये 90 पैसे हो गया ना, तो ये तो और महंगा हो जाएगा ना भाई। स्टॉक वहां से आपको कितना रिटर्न दे देगा कैलकुलेट कर लो, ठीक है? ऑलमोस्ट वहां से स्टॉक आपको 10% का रिटर्न देगा, 10 से 20% का, अगर ये 5 रुपये हो जाता है। तो यही होता है भाई, ये देखा करो कि स्टॉक सस्ता कहाँ है महंगा कहाँ है। अभी सस्ते में मिल रहा है, बाद में सारी सस्ते में इस प्राइस पे कभी ना मिले, कभी ना मिले, ठीक है? कंपनी के प्रॉफिट आप देखते तो लग रहा है लॉस हो रहा है, देख सकते हो ईयरली परफॉर्मेंस, ठीक है? शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखाने की आवश्यकता नहीं है, 100% प्लस हमें देखने को मिलता है। अब आपको दिखाता हूँ उसका चार्ट पैटर्न, तो एक बार चार्ट पैटर्न समझ लो, उसके बाद आप देखते हैं कि आप स्टॉक में क्या कर सकते हो। मैं यहाँ पर खोल देता हूँ A to Z इंफ्रा, यहाँ पर लगा नहीं है ये थिंग, ठीक है? देख सकते हो मैंने चार्ट पैटर्न खोल दिया है, और दोस्तों देख सकते हो क्लियरली एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। और अगर आपको स्टॉप लॉस लगाना है, मैं आपको स्टॉप लॉस बता देता हूँ पहले कि कौन सा स्टॉप लॉस लगा के स्टॉक में आप इंतजार कर सकते हो बड़े टारगेट के लिए। तो दोस्तों आप देख सकते हो, अगर आपको स्टॉक को बाय करना है तो आपको सिंपली 3 रुपये 70 पैसे का स्टॉप लॉस लगाना है, ठीक है? 3 रुपये 70 पैसे का स्टॉप लॉस लगाना है, तो मतलब 1 रुपये से भी कम का स्टॉप लॉस लगाना है, मात्र स्टॉप लॉस जाएगा 3 रुपये, आप मोटा मोटी 3 रुपये 50 पैसे लगा लो, मात्र 1 रुपये का स्टॉप लॉस है। और भाई जो टारगेट मैं आपको बता रहा हूँ ना, एटलीस्ट एटलीस्ट 6 रुपये 50 पैसे का पहला टारगेट रहेगा, 6 रुपये का टारगेट पहला रहेगा, और सेकेंड टारगेट जो है ना डबल, कम से कम 4 रुपये 30 को मल्टीप्लाई करो 2 से, कम से कम जो टारगेट रहेगा 8 रुपये से लेकर 9 रुपये तक का रहेगा, ठीक है? फाइनल टारगेट की मैं बात कर रहा हूँ, और सिर्फ ये मैं ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निकल एनालिसिस कह रहा हूँ, फंडामेंटल एनालिसिस कंपनी की एकदम लुल है भाई, पहले बता रहा हूँ। स्टॉप लॉस लगा लेना, ये स्टॉक डेफिनेटली यहाँ से जा सकता है, उसके 3 रीजन है, ठीक है? क्या रीजन है देखो, थोड़ा बेसिक आपको समझा देता हूँ जिनको नहीं समझ आता है। अगर आप थोड़ा ध्यान से स्टॉक का चार्ट पैटर्न समझने का प्रयास करो, वीकली चार्ट दिखा देता हूँ आपको, ठीक है? मंथली साथ आपको समझना है, वीकली देख लो, देखो ये एक लाइन बन रही है, ठीक है? ये एक सपोर्ट बन रहा है, ठीक है? अब आप ध्यान से देखोगे तो ये सपोर्ट एरिया है, ठीक है? देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रेजिस्टेंस 1, इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, बड़ा कर देता हूँ ताकि समझ आए आपको, 1 2 3, ठीक है? 1 2 3, क्या समझ आता है? R1 R2 R3 रेजिस्टेंस है, सपोर्ट 1 सपोर्ट 2 सपोर्ट 3, इसका मतलब नेक्स्ट टारगेट क्या निकल के आता है? ये R4, 6 रुपये 30 पैसे। और जब ये इसके ऊपर जाएगा तो ये स्टॉक रॉकेट होने वाला है। और आप बताओ ये इसको तोड़ेगा या नहीं तोड़ेगा? डेफिनेटली तोड़ेगा ब्रो, क्यों? क्योंकि भाई ये रेजिस्टेंस वीक पड़ चुका है, कभी भी कोई एक चीज अगर बार बार टेस्ट कर रही है ना, टेस्ट, वो उसको फाड़ के ऊपर चली जाती है, ठीक है? साइंस भी ये कहती है और मैं भी यही कह रहा हूँ, ये इस बार अगर इस बार यहाँ फेल हो गया, इस बार फेल हो गया, इस बार फेल हो गया, तो भाई ये कम से कम सपोर्ट लेके टेस्ट तो कर रहा है बार बार, देखो, और इस बार ये फाड़ने वाला है इसको, मतलब इसको ऊपर जाने वाला है क्रॉस करके। तो अगला जो टारगेट है 6 रुपये का है, इसके ऊपर जब ये क्लोज करेगा तो आपको कम से कम 9 से 10 रुपये के टारगेट आराम से स्टॉक पर देखने को मिल जाएंगे। मात्र 3 रुपये 50 पैसे का स्टॉप लॉस आपको अप्लाई करना है स्टॉक के चार्ट में, ठीक है? अगर बात करता हूँ NSE में कैसा काम काज हो रहा है, तो आप देख सकते हो, दिखा देता हूँ, ठीक है? जो डिलीवरी परसेंटेज को फॉलो करते हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ, तो आपके सामने है 78% के आसपास का माल घर लेके गए, 1,63,000 क्वांटिटी ट्रेड की गई थी, ऑलमोस्ट सभी की सभी क्वांटिटी लोग घर लेके गए। PSE में तो ये चल रहा है, और NSE की मैं आपको दिखा देता हूँ, NSE में कैसे चल रहा है, NSE का भी आप देख लो, यहाँ पर 66% के आसपास का डिलीवरी हमें देखने को मिलती है जो लोग घर लेके गए, ठीक है? 9,65,000 क्वांटिटी ट्रेड की गई थी, 6,42,000 क्वांटिटी लोग घर लेके गए, 66% के आसपास का माल लोग यहाँ से घर उठा के लेके गए। तो भाई जब ये लोग घर लेके जा रहे हैं, 100 में से 66 व्यक्ति, क्या ये पागल है, मूर्ख है? नो दोस्तों, इन्होंने प्रॉपर रिसर्च के साथ और स्टॉप लॉस के साथ लगाया होगा। तो मैंने आपको स्टॉप लॉस और रिसर्च दोनों बता दी है, अगर आपके पास है तो डेफिनेटली स्टॉक को बाय करो, नहीं है तो इग्नोर करो, ठीक है? बाकी मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट क्लास तक, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।